Movie, oh my god. So please put your hands together for Mr. Abhishek Bachchan and Umesh Shukla. First and foremost, I would like to welcome all the media correspondents present over here. Can you please take your seats and please be behind? We'll begin with our press conference. And now I would like to welcome Mr. Abhishek Bachchan ji and Umesh Shukla ji to Hyderabad. So how are you feeling, sir, coming to Hyderabad? I mean, I'm sure this is not your first visit to Hyderabad. Photographers! Photographers, please move back. Please sit down. There are cameras behind you. Please be seated. Hyderabad, we have done a lot of shooting in Ramu Ji Rao. Yes, sir. It's a very good place. It's a very fun place. The weather is good here. Okay, so they feel very good Hyderabad, especially weather. Thank you so much, sir. सर आप बताइए कि आपको हैदराबाद कैसा लगा? बहुत बार आ चुके हैं हैदराबाद। हाँ जी, मैं तो हैदराबाद आते रहता हूँ। जैसे कि उमेश ने कहा कि बहुत सारी फिल्में हम लोग ने यहाँ शूट की हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त भी यहाँ हैं जो यहाँ की फिल्म फ्रेटर्निटी के हैं और यहाँ के हमेशा बहुत अच्छा लगता है, इतना सारा प्यार मिलता है सबसे। सो ऑब्वियसली वी लव कमिंग बैक। थैंक यू सो मच सर। कैन आई रिक्वेस्ट द फोटोग्राफर्स, इसके बाद हम आपको सेपरेटली सोलो डबल ट्रिपल सब फोटो दे देंगे, जैसे आप लोग चाहें। उल्टा भी हो जाऊंगा मैं, लेकिन इस वक्त इन लोगों को जरा आप सवाल पूछने दें। हाँ, ओके, नहीं, थैंक यू। ये फिल्म में जैसे ओह माय गॉड में काफी सवाल उठे थे कि भगवान का अस्तित्व है या नहीं, अगर है तो हम उसे किस तरह से मानते हैं, काफी सारे सवाल उठे थे। इसमें भी काफी सारे सवाल ऐसे हैं कि क्या मैं अच्छा बेटा हूँ, क्या मैं अच्छा बाप हूँ, काफ़ी सवाल इस फिल्म में भी उठेंगे और उसके बहुत ही एंटरटेनिंग वे में हंसते खेलते जवाब हैं ये फिल्म में जो आपको मिलेंगे। और म्यूज़िक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है फिल्म का, तो लगता है कि ये लोगों को पसंद आएगी फिल्म। सर, ये द सीक्रेट नावल से लिया गया है? नहीं, सीक्रेट नावल से नहीं लिए गए हैं। उसमें हमारा जो एक पात्र है आसिन जी, जो कैरेक्टर कर रही है निम्मी का, वो पात्र जो है वो सीक्रेट बुक में जो फिलोसॉफी है उसमें बिलीव करती है, तो एक पात्र की फिलोसॉफी वो बुक पे आधारित है, वो फिल्म वो बुक पे आधारित नहीं है। अभिषेक जी, इस फिल्म से आपने 15 साल मुकम्मल कर लिए कैरियर के। थैंक यू। 20 जून 2000 में आपकी रिफ्यूजी रिलीज हुई। हाँ जी। फिर ये है, आपका क्या सफर कैसा रहा? सफर तो आज तक बहुत ही अच्छा रहा है, मजा आ रहा है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो कुछ भी आप जीवन में करें आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। मेरे 15 साल कैसे कट गए मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने और हमारे जितने भी दर्शक हैं वो मुझे मौका देते रहते हैं कि मैं फिल्में बनाऊं और फिल्म में काम करूं। इस फिल्म में आपके कैरेक्टर के बारे में ना बताऊं तो चलेगा? हाँ, इंटरेस्टिंग करते हैं, बताइए कैरेक्टर के बारे में। नहीं, बहुत जैसे कि उमेश ने कहा, ये पारिवारिक फिल्म है। मेरा जो किरदार है उसका नाम है इंदर भल्ला। उनके पिता श्री हैं भजन लाल भल्ला, जो कैरेक्टर ऋषि कपूर जी निभा रहे हैं, और उनका एक पुश्तैनी बेकरी है, बेकरी चलाते हैं कसौल में। और उनके पिताजी यही चाहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होके बेकरी संभाले, परिवार का जो काम है वो देखे, और जो बेटा है वो ये नहीं चाहता है, वो चाहता है कि वो एक म्यूजिशियन बने। तो दोनों में अनबन सी हो जाती है, झगड़ा होता है और बेटा जो है घर छोड़ के निकल जाता है। और ये जब फिल्म शुरू होती है तो 10 साल से बाप बेटे ना उन्होंने बात की है एक दूसरे से या ना मिले हैं, और हालात कुछ ऐसे निकल आते हैं जिसमें इंदर को वापस घर लौटना पड़ता है। और फिर जैसे कि उमेश ने कहा कि उनका मैसेज ऐसा कुछ है कि फैमिली वैल्यूज़ को लेके है, जो मेरा मानना है कि आजकल के दौर में एक बहुत ज़रूरी मैसेज है। शायद हम लोग आज की भाग दौड़ में हमारी जो हिंदुस्तानी सभ्यता है शायद कहीं ना कहीं हम लोग खो रहे हैं। तो जब उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा,
क्योंकि उमेश की खासियत ये है कि वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही सीरियस तो नहीं कहूँगा, लेकिन आई थिंक इम्पोर्टेंट मैसेज जो कुछ भी अपनी फिल्मों में देते हैं उसे हंसी मजाक में सजा के बताते हैं, और जब कोई भी चीज़ हंसी मजाक में सजा के आप उन्हें सुनाएं इट्स वेरी एंटरटेनिंग. तो दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट इट. तो हालांकि इनका मैसेज बहुत ही सीरियस है और इम्पोर्टेंट मैसेज है फैमिली वैल्यूज़ का, लेकिन इन्होंने ये कहानी जो है बहुत ही एंटरटेनिंग वे में बनाई है. तो हर संडे उनके घर में हम लोग क्रिकेट खेलते थे, शाहरुख भी वहाँ की खेलते थे, और हम लोग सब स्ट्रगलिंग एक्टर थे. शाहरुख तो एक बहुत ही बड़े कलाकार हैं, और मैंने ये सवाल उनसे पूछा था कि शाहरुख आज तक आपका कोई ड्रीम रोल है क्या, बताएंगे आप मुझे? और उन्होंने मुझे कुछ कहा था जो मुझे हमेशा याद रहता है, और वो जवाब मैं आपको देना चाहूँगा. वो ये है कि उन्होंने मुझसे कहा था, मुझे ये सिखाया कि आप एक एक्टर हो, और एक एक्टर के लिए उनका जो कुछ भी ड्रीम रोल हो, वो जो रोल उस वक्त निभा रहे हैं वो होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपका ड्रीम रोल नहीं है तो आप उसे 100% नहीं दे रहे हो. और हमारा काम ये होता है कि जो भी रोल हम निभा रहे हों, जो भी किरदार हम निभा रहे हों, जो भी फिल्म हम कर रहे हों, उसमें हम लोग अपना 100% दें. तो जवाब मैं यही दूंगा कि द फिल्म दैट आई एम डूइंग राइट नाउ इज माई ड्रीम रोल. What does Independence Day mean to me? It means a lot, you know. Independence Day is not just a day where India achieved independence, but I think it's a day to remember all the brave people that fought for our independence selflessly. So we must use it as a day of remembrance, a day of respect, and we must respect what they fought for. And we must also question ourselves that the ideals that they fought for, the free, independent India they fought for, have we really achieved that? Have we maintained that? And if not, then we should introspect and try and live up to what they fought for. So what does freedom mean to you? Freedom to me means a lot. But most importantly, freedom of choice, freedom of love. Yeah. Ji. My opinion? I'm biased. My friend Rana was in the film, so I'm going to be biased about the film. Rana had showed me parts of the film. Rajamouli Garu also, I've met on occasion. Prabhas, I'm a big fan of. And when he had shown me the promo and one or two scenes, I was just blown away by the vision. And I'm very happy that Indian cinema, I'm not going to answer it as regional cinema or Telugu cinema. It's Indian cinema. We're all part of the Indian film fraternity. That Indian cinema has pushed the envelope and set such a high bar for filmmaking. You know, Rajamouli Garu has always made films that have always pushed, and have always pushed the envelope and has set new standards. And I think with Bahubali, he's just gone to a different level. And it's such a happy thing that despite there being possibly a language barrier, we have learned and managed to overcome that hurdle and still make films successful. Which goes to show that at the end of the day, cinema has a language of its own. And that's the happiest thing for me. What about your team? Jaipura is not doing well in this season. Right. So, are you gonna change your team? I don't play kabaddi, they play it. I can just be supportive to them and inspire them. The last couple of matches they've managed to turn things around. Everybody has ups and downs. I've always told the team that, you know, haar aur jeet hamare haath mein nahi hai. I don't demand victory from them. I demand an earnest effort. I say, you can win, you can lose, that's fine by me. I will still love you all as much. I expect you all to play your hearts out every time you do. And they have been. And I'm very proud of them. And we have a very big match tonight against the league toppers. And I think it will be a very exciting contest. Our last match was against the Telugu Titans, the number two team on the table right now. And it was a very exciting match. A match nobody thought we could possibly ever lead or even do anything, but we tied with them. And I think it's a sport, and you know, it's good. And I've always said this, at the end of the day, man, somebody's going to win, somebody's going to lose.
So that's okay, it's part of sport, but at the end of the day, Kabaddi is winning and that is more important. Sir, 1 second, sir. Huh? Really sorry for interrupting. Haan, didi. So this is to all my media friends. Can we have last 2 questions? Only Bas? Last 2 questions. Achha, three. Three. They're all Pink Panther fans. Yeah, three. Chalo, panch. Poochte roh, main. Mujhe last three questions. Last Haan, three ji. Questions. Kya de du? Haan, poochhe. Main toh baitha hoon. मुझे बस कॉफी पिला दो, आई एम फाइन. मैं बैठे रहूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूं आप लोगों के साथ. हाँ, अभी दो तीन मिनट ये और फ्लैश चलेंगे, मैं एकदम अंधा हो जाऊंगा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा. बॉक्स ऑफिस के बारे में क्या कहेंगे? मेरा जो जब फिल्म बनाते हैं तब हम अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं कि एक अच्छी फिल्म बनाए. मेरे लिए बिजनेस जो है वो सेकेंडरी होता है. मुझे अच्छी या बुरी फिल्म में ज़्यादा इंटरेस्ट है. फिल्म अच्छी बनाओ तो अपने आप वो जो है वर्ड ऑफ माउथ से पिकअप हो जाती है. तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन बॉक्स ऑफिस में उतना ही है कि लोग ये फिल्म देखने जाए और सराहें. एक बार ऐसा हुआ था कि जैसे नॉर्मली जो डेथ का जो अर्थी का जो प्रोसेशन होता है, आदमी जब मर जाता है और जो प्रोसेशन होता है वो नॉर्मली बहुत सीरियस होता है. हम लोगों ने उसको बहुत ही फनी वे में ट्रीट किया है. एक जो डेथ का जो अर्थी का प्रोसेशन है उसमें एक जगह पर ऐसा हुआ था कि जैसे चार कंधे होते हैं तो अभिषेक और चिंटू जी थे और अचानक हमने देखा कि चिंटू जी गायब हो गए थे. तो हम लोग अभी ऐसी बस्ती में थे जहाँ की उनको ढूंढना डिफिकल्ट हो गया था कि ये चिंटू जी अचानक कहाँ गायब हो गए. फिर हमारा जो कोई एक स्पॉट पर था उनको ढूंढते ढूंढते नहीं गया तो कोई एक झोपड़े जैसा घर था उसके अंदर चिंटू जी चाय और समोसा खा रहे थे किसी फैमिली के साथ में. तो हम लोग गए कि चिंटू जी क्या कर रहे हो? तो बोला नहीं, मैं ऐसे अर्थी लेके जा रहा था और मैंने देखा कि एक घर में बोल बच्चन फिल्म चल रही है. वो फिल्म उनको उतनी पसंद थी कि वो अर्थी छोड़ के अंदर निकल गए थे. तो वो एक अच्छा मोमेंट था कि हम लोग को मजा आया था उसको. दिया सुनाई नहीं दिया सर. योजना तो नहीं है भैया, योजना तो ये जैसे लोग करेंगे ना, इन्हें लिखना पड़ेगा. इच्छा तो है, अवश्य होगी. एक तो पिता है, दूसरी पत्नी है, तो चाहूंगा कि काम करें. उन दोनों के साथ काम करके बहुत मजा आता है. लेकिन ये सब चीजें अगर सही स्क्रिप्ट मिले तो करेंगे हम लोग. Yes. I love, like I said, Rajamouli Garu, I think is one of the best directors in the country, let alone just here. And he's just absolutely brilliant. And I've worked with Ramu a lot. Ramu ke saath maine 3 films ki hain. Chabda mattista mama, hegalu puttista mama, arani gundu katti namalu petti nadipi.